सेटअप में बस एक दिक्कत है जो मैं टुवर्ड्स द एंड आऊंगा लेकिन एफ आई के जो आंकड़े हैं अब देखिए क्या हो गया आशीष फ्राइडे फ्राइडे को इवन एफ आई बाई साइड पर आ गए हाँ। <laughs> हमारी बात जो हो रही थी ना कि इवेंचुअली एफ भी आएंगे बाई साइड पर दस हजार करोड़ मंडे को भेजा था उन्होंने उसके बाद वो सेलिंग इंटेंसिटी कम हुई उसके बाद और कम हुई फिर तीन हजार करोड़ पे आई थर्सडे तक आते आते पंद्रह सौ करोड़ रह गई थी फ्राइडे को तो उन्होंने भी बाय का डाला सरप्राइजिंगली डी आई एस ने भी बाई किया वैसे वो उनको नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती जब एफ आई आर्स अगर बाय करें तो और एफ़ आई आर्स ने इंडेक्स फ्यूचर में भी बाय कर डाला और स्टॉक फ्यूचर में भी बाय कर डाला तो मेरे लिए सेटअप में बस दिक्कत यही है कि ये सब इंस्ट्रूमेंट्स में बाइंग आ गई थोड़ी सी से सेलिंग आई होती एक आधे इंस्ट्रूमेंट में तो और अच्छा रहता लेकिन खैर कोई नहीं इंडेक्स फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी में भी बाइंग है फिफ्टी फोर करोड़ की और थ्री नाइन्टी फाइव करोड़ की निफ्टी फ्यूचर में बाएँगे तो देखते हैं आज फॉलो थ्रू मिलेगा या नहीं मिलेगा आज एक हल्का सा गैप डाउन हो रहा है वैसे मुझे लगता नहीं कि कितना की कि होगा अच्छा अब तो सत्रह पॉइंट ही रहेंगे गिफ्ट निफ्टी सुबह मुझे पचास पचपन पॉइंट दिखा रहा था मुझे लग नहीं रहा था कि उसमें कोई लॉजिक है इंडेक्स फ्यूचर्स का ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर अब फाइनली बाइंग आ गई यहाँ पर भी फोर करोड़ की बाइंग इंडेक्स फ्यूचर्स में आ गई इंडेक्स फ्यूचर्स के लॉन्ग और शॉर्ट की जहाँ तक बात है तीन लॉन्ग एड हुए और करीब करीब चार शॉर्ट सिस्टम से आउट हुए तो जो लगातार एक सिलसिला चल रहा था नेट लॉन्ग कम होने का फ्राइडे को वापस थोड़ा सा रुका हल्का सा देखिए आप ऑप्टिक देख रहे हैं उस ग्राफ में और टेबल में भी देखिए जो पंद्रह हज़ार लॉन्ग रह गए थे अब वापस बढ़कर बाईस हज़ार लॉन्ग पर आ गए अब मैं उस टॉपिक की बात करता हूँ जहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट वापस ओवर होने के साइंस दिखा रहा है पहला तो इंडिया विक्स लगातार गिर रहा है साढ़े फ्राइडे को भी गिरा फिफ्टीन पर आ गया पुटकोल रेशो लगातार इंचअप हो रहा है पॉइंट अच्छा एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी आशीष हर बार ये चीज़ प्ले आउट होती है जब भी पुटकॉल रेशो पॉइंट सेवन फाइव पर आ जाए ना आप बाय कर लीजिए हमारी बात हुई थी ट्यूसडे वेंसडे को बात हुई थी कि पुटकॉल रेशो पॉइंट सेवन फाइव पर आ गया मोर और लेस रीज़न कहीं ना कहीं से आएगा लेकिन मार्केट चल जाता है और पुटकॉल रेशो जैसे ही वन पॉइंट फाइव क्रॉस करे प्रॉफिट बुक कर लीजिए शॉर्ट कर दीजिए कोई ना कोई रीजन कहीं से आ जाएगा मार्केट गिर जाएगा खैर वो पुटकॉल रेशो बढ़कर वापस वन पॉइंट जीरो नाइन पर आ गया अभी भी ओवर बॉड नहीं है लेकिन एक चीज़ जो ओवरबॉड है वो है बैन का मामला चार नए स्टॉक्स एड हुए हैं ऐड हुए हैं बैन में पंद्रह स्टॉक एफ एंड ओ की बैन लिस्ट में है अगर वो लाइन बनी हो तो पंद्रह स्टॉक एफ के बैन में है जो कि अब तक की हाइएस्ट एवर है आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि पंद्रह स्टॉक्स एक साथ एफ बैन में हो और वो भी अभी जब हमने एक्सपायरी हफ़्ते की शुरुआत भी नहीं करी है तब भी पंद्रह स्टॉक्स का एफ़ बैन में होना आ, ये एक अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है अब तो वो लाइन बन जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता है वैसे थोड़ा सा लोगों को पता चलता है कि क्वालिटेटिव लाइन थी ये कि पंद्रह स्टॉक के एफ के बैन में है और बस सेटअप में यही एक ओवरबॉट चीज़ है पुटकोल रेशो वगैरह भी मतलब अभी इतने ओवरबॉट नहीं हुए हैं जितने कि एक टाइम पे तो हो सकते हैं लेकिन अब पंद्रह स्टॉक एफ इनडो बैनो जैसे मैंने कहा हाईएस्ट एस्ट है ये, ये सिस्टम में कुछ एक्सेसिस डेवलप हो रहे हैं ये बता रहा है हाँ मतलब ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा थोड़ा सा डेवलप हो रहे हैं लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी भी ठीक ठाक है लेकिन uh, स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि हल्के से शायद फ्रॉड टाइप आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल ओके अब निफ्टी के आज के अप्रोच पे चला जाए भाई ये तो बात हो चुकी है कि मोटा मोटी बॉटम बन चुका है अगस्त के महीने में नए कीर्तिमान शायद भारतीय बाजार लगाता हुआ नजर आए तो मूड कैसा है वो तो आपने समझ लिया अब आज के अप्रोच पे चला जाए आज थोड़ी सी सबड्यूट शुरुआत हो रही है जब ग्लोब हरियाली दिखा रहा है तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट है वो इस बात से दिख रहा है कि हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उस लिहाज से पर इस अंडर परफॉर्मेंस अपन ने कम बात चु ली है इसका ज़्यादा सरद वैसे कल एक चीज़ और थी अपने लिए सैम्पल होता है सोशल मीडिया में लोगों के रिस्पॉन्स और उसमें रिटेल के बड़े सदे हुए रिस्पॉन्स थे कि टूल किट है हम रिटेल मुँह जवाब ये गलत हो रहा है ये सब बकवास है सारा जवाब इसी तरह की लॉजिक ऐसे ही रखा सब रिटेल जितने भी मेरे को सोशल मीडिया पर फीड्स पर मेरे अपडेट्स आए तो रिटेल हो तो क्या है? स्मार्ट अब हाँ. आपके बातों में नहीं आना बिना बात के हाँ. लॉजिकल बातों में हाँ. मेरा अप्रोच कर रखू निफ्टी पे आज के लिए देखिए बिल्कुल देखिए आशीष मैं इसमें एक चीज़ कहूँ मैं नॉर्मली इस चीज़ को नहीं मानता कि आपको इसमें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में पेट्रोट पेट्रियोटिज्म जोड़ना चाहिए नॉर्मली मैं नहीं मानता लेकिन अगर उसके थ्रू ही अगर रिटेल अपना कॉन्फिडेंस रख रहा है तो वो भी ठीक है ठीक है ना मेन चीज़ ये है वैसे मेरा ये मानना है कि स्टॉक शॉर्ट सेलिंग करने में या अगर मार्केट खराब हो तो बेचने में कोई ऐसा नहीं है कि आप एंटी नेशनल हैं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ना अगर शॉर्ट साइड पर पैसा बन रहा है तो बनाना चाहिए पिछले हफ्ते शॉर्ट साइड में लोगों ने भर के पैसा बनाया होगा और उसमें ट्रेडिंग अप्रोच अगर वो आपने रखी होगी तो उसमें कोई गलत नहीं है ठीक है कैन anyway, एनी अब निफ्टी के अप्रोच पर आते हैं देखिए पहला सपोर्ट आपका चौबीस से चौबीस तीन सौ ग्यारह और फ्राइडे का लो फ्राइडे का लो चौबीस था मेरा तो ये मानना है कि अगर आप गिफ्ट निफ्टी में बाय कर सकते होते तो वहाँ पर एक ट्रेड थी कि उसको बाय करके एक स्टॉप लॉस लगा देते खैर नहीं कर पाए तो भी यहाँ पर बाय कर लीजिएगा बड़ा सपोर्ट उसके बाद आपको मिलेगा चौबीस से चौबीस वो जो पैनिक क्लोज बन गए थे उसके बाद जो दो दिन के लो बने वो चौबीस से चौबीस अब आपको बाय कहाँ करना है पहली बात तो पोजिशनली क्योंकि हम लॉन्ग हैं और बात करिए कि लॉन्ग कैरी करिए आपने तो तेईस के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग रहें इस मार्केट में ये पहला अप्रोच है तेईस आठ सौ क्या है वही पैनिक लो हार्ड बॉटम मार्केट का और अब मेरा बेस केस क्या है मेरा बेस केस ये है जब मैंने पिछले ट्यूसडे या वेंसडे से व्यू लिया था आपकी डाउन साइड है तेईस आठ सौ चौरानवे की आपकी अपसाइड कितनी है नॉर्मली मार्केट में जब भी स्विंग आती है वो तीन हज़ार पॉइंट की होती है तो ये अगर हम एज्यूम करें कि चौबीस हज़ार से स्विंग शुरू हुई है तो सत्ताईस हज़ार तक अब ये निफ्टी आपको जाने का पोटेंशियल रखता है और वो भी कब तक इसी साल तो मैं दो बड़ी कॉल ले रहा हूँ एक तो कि अगस्त के अगस्त में हम ऑल टाइम हाई हिट करेंगे और एक इस साल हम सत्ताईस हज़ार तक निफ्टी पर जा सकते हैं इस चार महीने और बचेंगे इसके बाद हाँ। इस साल में और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम सत्ताईस हज़ार हिट कर दें तो निफ्टी उसके बावजूद बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा निफ्टी आज की डेट में भी अपने मीडियम वैल्यूशन के नीचे है बहुत लोग इच्छे से भूल जाते हैं हम प्रॉब्लम क्या होती है ना हम सिर्फ रिसेंट लो से रैली देखते हैं उस हिसाब से खैर एनी वो तो खैर लंबी अप्रोच हो गई अब आपको इंडेक्स में लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी चौबीस हज़ार चार सौ दस से चौबीस पाँच सौ इकतीस ट्वेंटी डे में आपका फ्राइडे को हम ऑलमोस्ट वहाँ तक चले गए थे फिर उसको नहीं क्रॉस कर पाए और उसके अलावा ऑप्शन के हिसाब से भी जो कॉल राइटर्स हैं वो चौबीस चार सौ चार सौ पचास चौबीस पाँच सौ पर ही बैठे हैं तो उस हिसाब से ये आपकी बड़ी ये आपकी रेजिस्टेंस हो गई और अगर आपने ये क्रॉस किया तो बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी फिर आपको जो ऑल टाइम हाइस और अगस्त हाइस्ट से चौबीस आठ सौ बावन से पच्चीस हज़ार अठहत्तर जो मेरा व्यू है कि अगस्त के अगस्त में आना चाहिए करना क्या आपको खुलते बाय कर लें पहली अप्रोच ये रहेगी प्रोवाइडेड गैप अपना हो मतलब जैसे अभी तो लग रहा था कि गैप डाउन होगा गैप अपना हो खुलते ही स्टेबिलिटी पर पहले तो बाय कर लें और ऐड करें अगर 24,410 के ऊपर हम ट्रेड करने लगे तो 24,410 के ऊपर अगर हम ट्रेड करने लगेंगे ना वो मार्केट के लिए अपने आप में एक शॉर्ट कवरिंग का इंडिकेशन होगा अगर इस मार्केट ने 20 डेमा हॉल्ट नहीं दिखाया तो ये मार्केट फिर नहीं रुकेगा क्योंकि सबसे पावरफुल टूल होता है ट्वेंटी डेमा पोजिशनल ट्रेड्स के लिए अगर ट्वेंटी डे माँ पर नहीं रुका तो फिर मार्केट वन वे दौड़ेगा करना क्या है आपको सारी लॉन्ग पोजिशन के जो डे ट्रेड की लॉन्ग पोजिशन है जहाँ खुले जो लो हो वो स्टॉप लॉस है आपका ट्रिगर हो गया तो ट्रिगर हो गया लेकिन आ, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए सेल ट्रेड ओनली एंड ओनली स्ट्रिक्टली इंट्रा डे क्योंकि मार्केट में हमको हर वेंचुर के लिए तैयार रहना है ओनली एंड ओनली अगर 24 410 रिजेक्ट हो जाए और मार्केट वहाँ से आपको 50 60 पॉइंट का नेगेटिव बार बना के दे दे मतलब मार्केट शायद उस लेवल को क्रॉस करने के लिए तैयार अगर नहीं है तो डी हाई के स्टॉप के साथ प्योरली इंटरडे में शॉर्ट है बट अदरवाइज बाय ऑन डिप्स की मार्केट है खुलते खरीदें बशरते कोई गैप अप ना हो जाए जिस तरह के समीकरण दिख रहे हैं अगर सुख शुरुआत हो रही है तो खरीदारी करने के बेहतर मौके बेहतरीन मौके इनफैक्ट हम नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों की तरफ बढ़ जाएंगे अगस्त के महीने में और अब बड़ा बोल्ड कॉल आता हुआ हम खड़े चौबीस चार सौ के इर्दिगिर्द इस साल के एंड में सत्ताईस हजार तक जाने की तैयारी मतलब मोटा मोटी दस परसेंट के आसपास का मूव अभी भी बाजार में बचा हुआ है बचा हुआ बिल्कुल है अरे वाह तो डायरेक्शनली क्या मूड बनाना है कैसे पोर्टफोलियोज रखने हैं आपको क्लैरिटी है अभी बहुत दम कम है और ये बात सही है मूव्स को देखते हुए रिकॉर्ड उच्चतम से जड़ते हुए बार बार बाजार नजर आते हैं तो अपन कंसर्न हो जाते हैं आमतौर वैल्यूएशन को लेकर लेकिन ऐसे हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखते हुए इस समय भी वैल्यूएशन के लिए आज से फ्रॉथ नहीं है भारतीय बाजार में केला साहब जुड़ेंगे तो इस पर अपन और बातचीत करेंगे बाजार के वैल्यूएशन इंडिया इनके परफॉर्मेंस सारी चीजें टटोल डालेंगे आज लेकिन अब पहले निफ्टी बैंक का अप्रोच थोड़ा सा अपन के लिए थोड़ा सा सब ड्यूटी रही है पॉकेट फ्राइडे को भी दो तिहाई फीसदी हाँ दो तिहाई फीसदी बढ़त के साथ ठीक है क्या वॉच आउट करें निफ्टी बैंक में आज वैसे बैंक एक्स की एक्सपायरी कर दिन है ना बैंक निफ्टी में एक चीज है हमने काफी टाइम तक बैंक निफ्टी को अवॉइड करा उसके बाद लेकिन कुछ साइन दिखने लगे कि बैंक निफ्टी अब शायद चलने को तैयार है बैंक निफ्टी ने पिछले हफ्ते पाँच में से पाँचों दिन पाँचों दिन टेस्ट हुआ वो हंड्रेड डेमा और पाँचों दिन बचाया उस लेवल को तो वो आपके लिए अब एक लक्ष्मण रेखा बन गई वो लेवल है करीब करीब उनचास आठ सौ पर उसके आसपास है वो लेवल आ, लेकिन मजबूती टिकने के लिए आपको ट्वेंटी डेमा को क्रॉस करना होगा वो ट्वेंटी डेमा कहाँ पर प्लेस है फिफ्टी वन वन हंड्रेड पर तो अभी नो नोमैंस लैंड में है बैंक निफ्टी डे ट्रेडर्स के लिए फिर भी पैसा बन रहा है लेकिन अभी पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अभी भी कोई क्लियर वर्डिक नहीं आया बैंक निफ्टी का कि बॉटम आउट हुआ या नहीं हुआ है कुछ टाइम के लिए इंटरडे ही रहे बैंक निफ्टी में दोनों साइड के ट्रेड लें लेकिन जब तक फोर्टी नाइन एट हंड्रेड इंटैक्ट है फ्रेश मंदी ना करें बैंक निफ्टी में और जिस दिन बैंक निफ्टी डे हाई पर बंद हो जाए वो मार्केट का मैसेज होगा अगर क्लोजिंग देखिए मार्केट क्लोजिंग हमेशा मार्केट की ओपनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर क्लोजिंग डे हाई पर हो रही हो बैंक निफ्टी की तो आप लॉन्ग पोजिशन कैरी करें तब वो एक इंडिकेशन होगा कि शॉर्ट की जो करेक्शन वो खत्म हो गई कभी भी कोई इंडेक्स अगर डाउन ट्रेंड के बाद दो दिन अगर डे हाई पर बंद हो जाए तो मतलब होता है उसका कि करेक्शन खत्म हो गया चलिए नजर रहेगी फिर इस लिहाज से निफ्टी बैंक के इस हफ्ते के परफॉर्मेंस पे ये हो गई निफ्टी निफ्टी बैंक की आज मंडे की स्ट्रेटजी तमाम ग्लोबल संकेतों के बीच और इस बीच गिफ्ट निफ्टी इन ग्रीन लीजिए भाई साहब हरे निशान में शुरुआत करेंगे सारे उस वीकेंड के सरदर्द के बावजूद सी पी सिवास का मॉर्निंग पैलेंट रेडी हो रहा है ऐसे में कौन से स्टॉक चढ़ाव पर रहेंगे